आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस डाल रही हूँ, कम से कम इतना तो काम कर लो, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो, और आपको अगर व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट भी करो, तो मुझे मुझे अच्छा लगेगा ना कि आप हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। काम वाली कल की तरह आज भी नहीं आने वाली है, तो जल्दी से काम निपटती हूँ घर के। अब वॉशिंग मशीन में कपड़े भिगा देती हूँ, सबके कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ। वॉशिंग मशीन का ये वाला इधर एडप्टर खराब हो गया है, तो इधर एक्सटेंशन लगा के एडप्टर लगाना पड़ता है। अरे ऐसी डर गई, रूमाल उड़ता उड़ता ऐसे हुआ। मॉर्निंग मिट्टू मस्त चिल कर रहे हैं, निकल चुके हैं, वो तुमको बुला रहा है, खेला के जाए अंदर। यार वो पंखा लगवा दो अंकल, पंखा ही नहीं था, बहुत दिक्कत हुई अंदर यार। बेडशीट, अरे तुम गाने वो करो यार, मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा। बेडशीट चेंज की है आज, झाड़ू लगा रही थी तो लगे हाथ, बेडशीट भी चेंज करती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया था इसलिए। और बेडशीट चेंज करना सबसे बड़ा काम लगता है, क्योंकि फोर पिलर्स की बेडशीट चेंज करना, शीट चेंज करना, बेडशीट चेंज करना, और सारा सामान भी इतना अस्त व्यस्त आस पास रहता है, वो भी संभालना पड़ता है। सबसे ज़्यादा तो वो कॉर्नर संभालना पड़ता है चिकू का, इतने वायर मिलते हैं, इतने वायर मिलते हैं, पर ठीक है ना, हो गया है अभी। और इस रूम में लगा देती हूँ झाड़ू, मम्मी ने मिट्टू का पिंजरा और ये साफ कर दिया है, मम्मी ने किचन में झाड़ू लगा दिया है, अब मेरे रूम में ही बाकी रहा है तो मैं लगा देती हूँ। सब जगह पे लग चुका है, कपड़े भी अब भीग रहे हैं, कपड़े धोते, पर अब नहा लेती हूँ। नहाना हो गया है और अभी मैं कर रही हूँ मेरा स्किन केयर। शॉप पर राखी ऑफर स्टार्ट हो गया है, तो अभी शॉप पर आ गए कस्टमर, तो एक बार शॉप पे जाके आ जाती हूँ, क्योंकि रोशनी हेयरकट्स भी है और पूरा मैं ऑफर भी आपको बता देती हूँ। ये हमारे गणेश जी साहब हैं, जो कि हमारे घर पे इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। दुकान पे पंखा लगाना है, लगा दो ना। कौन सा, वॉल फैन? हाँ, वॉल फैन लगाना है, लेके आना। कौन सी कंपनी का लाना? अच्छा, जो भी ले आना ना, तो बता देंगे आपको। काम हो गया है मेरा, और जो भी काम बाकी ड्यू है रोशनी और भावना दोनों मिलके संभाल लेगी। इतने में खाना बना के आ जाती हूँ, चिकू को बुला दिया है मैंने लेने के लिए, चुपचाप यहीं बैठी रहेगी। अब घर आ चुकी हूँ, तो करके अब खाने की तैयारी, शॉप पे तैयारी करके आ गई। प्लग चेंज हो रहा है, क्या हो गया तभी, इसको जल गया क्या, हो गया, ये खुल गया, ये अंदर से इसकी पैकिंग खुल गई है, ये अलग हो गया, इसलिए आप चालू नहीं हो रहा था, वो रसोई वाला सही था, वो चल। खाने में डिसाइड किया है कि घट्टा बेसन बनेंगे, और आज घट्टा बेसन वो छोटी छोटी गोलियों वाले नहीं, आज इस टाइप से बन रहे। तो ये पानी बॉइल हो गया है, ये जब तक पकते हैं तब तक एक तरफ कपड़े धो रही हूँ, कपड़े एक बार तो डाल दिए अंदर। खाना यहाँ पर तैयार है, डिलीशियस गट्टे की सब्जी, आज बॉईल किए हुए गट्टे की सब्जी बनाई है, वो मेरा खाना भर दिया, मम्मी और चिकू का भी भर दिया है। तो चिकू आ जाओ ना, बाद में चलना गेम। आजकल सब जूते वूते साथ देख के फिर पहनने पड़ते हैं, जानवर वानवर तो नहीं है। बारिश ऐसा हो गया था, वापस धूप खुल गई है, तो अभी मैं जा रही हूँ, और बैटरी भी लो है। तो मम्मी के लिए मैं जा रही हूँ अभी राखी लेने के लिए, क्योंकि मम्मी आज जा रहे हैं राखी बांधने के लिए, क्योंकि आज मंडे है और उस दिन तो सबको जाना रहता है, सारी बहनों को जाना रहता है अपने भाइयों के घर पे। तो मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा जल्दी चली जाऊँ, राखी के दिन वापस आ जाऊँगी, देखती हूँ कैसे प्लान सेट होता है। यश का तो फ़ोन बहुत बार आ गया, दीदी कब आएगी कब आएगी, वही चल रहा है। अभी शॉप पर जाती हूँ, चिको फ्री हो तो लेके जाएंगे, नहीं तो जगू भी आपको लेके जाऊँगी। राखी मम्मी ले जा भी आ जाए, आ गई बारिश, तुमको भी वही लेना पड़ेगा।
जोरदार बारिश होते हुए थी, शब्द में जबरदस्त की बारिश हुई और इतनी गर्मी थी, गजब थी। मैं गर्मी कैसी लग रही थी इतनी। मैं कस्टमर से फ्री होके मैं और रोशनी अभी आगे बैठे हैं और रोशनी के अब जाने का टाइम हो गया है, 6:30 बजने आ गई है, 6:17 हो रही है। थोड़ी देर बैठ जाओ और यहीं पर बैठ के बातें करते हैं थोड़ी देर, फिर घर के लिए निकलते हैं। मम्मी गए आज राखी बांधने के लिए, मैं घर पे थी नहीं तो बताती आपको, मम्मी जा रहे थे। वो राखी तो मम्मी को मैंने ला के दे दी थी, मिठाइयाँ लानी रह गई थी क्योंकि बारिश चालू हो गई इसलिए, तो मिठाइयाँ चिकू लेके आ गए होंगे। 7 बज चुके हैं और अब घर जाने का टाइम आ गया है। मैं और चिकू घर पर अकेले हैं आज, तो आज अब क्या खाना बनाएंगे सोचना पड़ेगा, तो चलते हैं घर पे। मम्मी पापा गए। उल्टी चल, उल्टी क्या होता है इसमें? ये निकल गया। ओ कल आएगा सर्विस वाले। बैठो, कितना अच्छा लगता है नहीं है? मंदिर आके कितना अच्छा लगता है, सामने भी दर्शन करके आ जाते हो। आज बड़े दिनों के बाद इच्छा होगी और टाइम भी था तो मंदिर दर्शन करने आए थे मैं और चिकू, तो दूर से ही दर्शन कर लिए क्योंकि पूरा दिन कहाँ घूमे घूमे होते हैं अपन, शुद्ध तो होते नहीं, इसलिए बाहर से दर्शन कर लिए। ओ बाप रे, अब मेरे को इतना चढ़ाएंगे, ये इतना चढ़ाओगे मुझे? तो गाइस अभी थोड़े से हो गए हैं लेट और आज बन रही हैं चरखी पूड़ियाँ जो कि चिकू के ऑल टाइम फेवरेट हैं। और आज थोड़ा सा चिकू का पेट है अपसेट, तो अपसेट पेट को खुश करने के लिए चरखी पूड़ियाँ बन रही हैं। हालांकि वो तलने वाली नहीं, वो तवे वाली पूड़ी बन रही है, तो फटाफट से ये आटा बांध रही हूँ। पूड़ी और प्याज सबसे टेस्टी कॉम्बिनेशन है। तो गाइस खाना बन चुका है, चिकू तो उनका खाना लेके चले गए, मैं भी मेरा खाना लेके जा रही हूँ। नमकीन और रोटी ले ली है, मिट्टू का भी खाना ख़त्म हो गया, पर खा के फिर रखती हूँ मिट्टू को खाना। कैसी लगी पूड़ी? अच्छी लगी? खराब कब बनती है? नहीं पर आपसे पूछना अच्छा लगता है। खाना हो चुका है और ये यहाँ पर कपड़े पड़े हुए चिकू के, तो ये सारे हैंगर्स में मुझे लगाने हैं अभी, और मेरे पास टाइम भी है, फ्री भी जल्दी हो गई हूँ, तो ये सारा काम कर लेती हूँ। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस डाल रही हूँ, कम से कम इतना तो काम कर लो, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो। और आपको अगर व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट भी करो, तो मुझे अच्छा लगेगा ना कि आपको मेरे व्लॉग्स में क्या क्या चीज़ें अच्छी लग रही है, फिर वही चीज़ें मैं बताती रहूँगी आपको। अब कितनी बार तो क्या होता है मेरे रूटीन में आपको बताती हूँ, अब इनमें से आपको क्या चीज़ नहीं पसंद है वो भी तो मुझे बताओ, नहीं पसंद है तो नहीं बताऊँगी, कुछ और अच्छा बताने की कोशिश करूँगी, कुछ सजेस्ट करो ये करूँ मैं वो करूँ, तो मैं आपके लिए वो ज़रूर करूँगी। हेयर कट मत बोलना क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने बाल मेरे थोड़े लंबे किए हैं अभी, बॉब कट तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि आप मुझे बॉब कट के लिए तो बोलोगे ही बोलोगे, ये चीज़ तो मैंने देखी है, जब भी मैंने बोला है बताओ क्या करो तो बॉब कट कर दो, वो चीज़ तो नहीं हो सकती। बस यहीं पर कर देती हूँ और जो काम बोला है वो कर देना आप, ठीक है, बाय।